SA260, ये एक मिड साइज SA है. SA260 रिलेट करता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. सबसे पहली बात TCWG, जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली है किसी से भी, उनको TCWG बस वो रट लेते हैं. आज मैं बताता हूँ TCWG होता क्या है. TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट, जो एंटिटी में ओनर से नीचे और मैनेजमेंट से ऊपर आते हैं. ठीक है, तो ये लोग कौन हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में. ये लोग, मैं इसके थ्रू बता देता हूँ, किसी पार्टनरशिप फर्म में ये लोग पार्टनर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं. और जो TCWG है उसके साथ हम क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे एज ए ऑडिटर, वो हम इस एसे में डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि दिस एसे प्रिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन विद TCWG, ना कि मैनेजमेंट या ओनर्स को. हाँ ठीक है, समझ आ गया. मतलब मैनेजमेंट या ओनर्स को क्या क्या बातें करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस ऐसे में. इस ऐसे में बस TCWG से क्या बात करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर पार्टनर से क्या बात करनी है वो इम्पोर्टेंट है. कुछ मैटर्स इस ऐसे में बता रखे हैं जो TCWG को बताने हैं, कुछ मैटर अदर ऐसेज में भी बता रखे हैं. तो अदर ऐसेज में जो भी मैटर है वो भी TCWG को बताने होते हैं. कुछ मैटर्स हैं इस ऐसे में बस. दिस ऐसे आइडेंटिफाई करता है अप्रोप्रिएट पर्सन टू हुम कम्युनिकेट. ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई छोटी कंपनी है तो वहां पर TCWG और मैनेजमेंट सेम होता है, सेम पर्सन होता है. तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार उसी पर्सन को बता दिया, दोबारा जाके उसी पर्सन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वहां रिक्वायरमेंट है कि TCWG को भी बताना था और मैनेजमेंट को भी बताना था, तो ये नहीं है, उसको एक ही बार बताएंगे. ये नहीं कि उसको दोबारा दोबारा बता रहे हैं. ऐसा भी लॉ में लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मैटर्स विच रिक्वायर कम्युनिकेशन विद TCWG ऑफ एंटिटी एज पर SA260. एज ए टीचर मैं तो सारे रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं साथ में बताऊंगा. कौन से मैटर्स हैं जो TCWG को रिपोर्ट करने चाहिए. पहला मैटर, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू ऑडिटर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है, ऑडिटर कहता है भैया मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी ओपिनियन देने के लिए. इसमें यही लिखा हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी ओपिनियन के लिए, जो मैं ओपिनियन दूंगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. लेकिन जो मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं, जो मैं ऑडिटिंग कर रहा हूं, वाउचिंग कर रहा हूं, उसके लिए मैनेजमेंट और TCWG अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि TCWG और मैनेजमेंट में कुछ ने घोटाले घटाले कर रखे थे, या फिर उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने गलत बना रखी थी बैलेंस शीट. मैंने बैलेंस शीट की वो आइटम गलती से मिस कर दी और मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया कि हाँ भाई सब कुछ सही है. अब उसके हिसाब से तो सब कुछ सही था, लेकिन बाद में पता चला कि वो चीज़ मतलब गलत थी. लेकिन इतना कुछ टैक्स में या फिर किसी और चीज़ में कोई मतलब मटेरियल ही नहीं थी. लेकिन फिर बाद में वो मेरे पे चढ़ गए कि यार तूने तो पूरी बैलेंस शीट चेक करी थी, तो तुमने ये कैसे मिस कर दिया. तो वो उसके लिए मैं रिलायबल नहीं हूँ. मेरा वो था कि मटेरियल चीज़ें बताना. काफ़ी बार ऐसा होता है ऑडिट पे हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि मतलब मटेरियली नहीं होती, तो ऑडिटर नहीं बताता TCWG और मैनेजमेंट को. और वो नॉर्मल है, बता भी दे तो कोई बात नहीं. तो ये बाद में TCWG और मैनेजमेंट हमें ये नहीं कह सकता कि बैलेंस शीट में तुमने क्यों नहीं देखा, वो गलत है. अगर हाँ, कई बार क्या होता है छोटी कंपनियों में बैलेंस शीट भी हम ही बनाते हैं एज ए ऑडिटर, तो हम ही बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में अगर हमने गलत किया है तो हमारी गलती है. लेकिन अगर बैलेंस शीट की सर्विसेज हम नहीं दे रहे और तुम गलत बना रहे हो, तो वो हमारी गलती नहीं है. और हमने अगर इंटीमेट नहीं किया, वो इमेटेरियल चीज थी, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए. दूसरा मैटर जो हमें बताना चाहिए वो है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. जो भी प्लान स्कोप हमने बना रखा है और जो भी टाइमिंग हमने सोच रखी है कि इस टाइमिंग में ऑडिट हो जाएगी, और प्लान स्कोप हमने एक तैयार कर रखा कि ऐसे ऐसे हम ऑडिट को करेंगे, वो सब कुछ हमें TCWG को इंटीमेट कर देना चाहिए. इंटीमेट मतलब बता देना चाहिए. थर्ड चीज, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग से पढ़ते पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ऑडिट में मिली वो TCWG को बताने जा रहे हैं. ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. मैं पहले बता रहा हूं ये है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं. ए कह रहा है, देखो भाई, ए पॉइंट बस इतना कहता है, इसको पढ़ लेना. ये कह रहा है ऑडिट
ऑडिटर के क्या व्यूज हैं वो ये बताता है एंटिटी की किसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे, जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर को इंक्लूड करती है, तो उस पे क्या सिग्निफिकेंट अकाउंट, मतलब क्या ऑडिटर की राय है वो देगा, जरूर देगा, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है कई बार कोई एफआरएफ है, एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो कहता है कि इन्वेंट्री को तुम फीफो से भी तुम बता सकते हो, वेटेड एवरेज से भी बता सकते हो। अब वेटेड एवरेज से कंपनी ने कर रखा है और वो सही है, ठीक है, आई थिंक लीफो से तो मना है, वेटेड एवरेज से किया हुआ है, अब वो सही भी है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर वो फीफो से कहेगी तो ज्यादा फायदे में रहेगी, तो मैं कंपनी को ये बता सकता हूँ, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है एक तरीके की कि कंपनी को इससे प्रॉफिट होगा, तो मैं उसको थोड़ा बता सकता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के भी होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में भी कई बार चीजें होती है, प्रोविजन बनानी पड़ती है एज पर 31 मार्च, कंपनीज नहीं बनाती, तो उसके लिए भी अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर दिया है, तो काफी चीजें ऐसी। फिर बी पॉइंट है, बी पॉइंट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में बी पॉइंट है कि ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिटिंग एंगेजमेंट। तो मैं बताता हूं, ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं ये एक बार दिखाता हूं, ये देखो एक बार पेपर में हुआ है, स्टेट द फाइंड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट विद रेफरेंस टू एसए 260, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज बताने हैं। तो हमें ये जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये वो है, बस वो ही लिखना था। ऐसे ही ये है मई 2015 का पेपर, ऐसे ही एक बार मई 2013 में भी आया हुआ है, ये देखो, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑल द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद TCWG। तो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, अभी हम ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पूछ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में तो हमें पूरा थर्ड पॉइंट लिखना है जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ए बी सी डी पॉइंट्स, लेकिन वो वाला पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसमें बस बी पॉइंट लिखना था जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं बी पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कौन कौन सी ऑडिटर को फेस करनी पड़ती है, छह डिफिकल्टीज है। पहला है सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन। कभी कभार क्या हुआ, मैनेजमेंट से जो मांगी थी इन्फॉर्मेशन वो लेट कर रहा है, और ये होता है यार, मेरे आर्टिकल शिप में तुम देखोगे बहुत ज्यादा होता है, कभी कभार हमारे पास इतना सारा काम होता है, हम एक क्लाइंट का काम संभाल रहे हैं, उससे फोन कर करके थक जाते हैं, भाई दे दे यार तेरे लिए बैठे हैं, वो नहीं देता, तो वो भी हम TCWG को बता सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा टाइमली। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अनअवेलेबल है। एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, कभी कभार रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है, कभी कभार क्या होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, कई बार होता है कि मैनेजमेंट में मेरे को लग रहा है कोई रिलेटेड पार्टी है, मैं उस पर अकाउंटेंट से पूछ रहा हूँ, अकाउंटेंट डिनाई कर रहा है, कह रहा है मेरे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो बाहर में जाए मैं TCWG से पूछूंगा, सच में ये होता है। फिर है अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स आर मेड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है अकाउंटेंट हेल्प नहीं कर रहा, ढंग से नहीं बता रहा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं हमें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे, वो मंगवानी पड़ रही है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें मुश्किल हो सकती है। अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कम्प्लीट ऑडिट एंगेजमेंट, ब्रीफ टाइम मतलब शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम है ऑडिटिंग एंगेजमेंट को कम्प्लीट करने का, वो भी गलत है। जैसे मान लो बस 3-4 दिन पड़े हुए हैं और हमें बस इतना टाइम मिला है और बोला है कि 3-4 दिन में ऑडिटिंग कर दो, इट्स वेरी हार्ड, छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 3-4 दिन। मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक और टू एक्सटेंड गोइंग कंसर्न असेसमेंट, कभी कभार हमें लग रहा है कि यार मैनेजमेंट की अनविलिंगनेस है, लग रहा है कि यार ये मैनेजमेंट इच्छुक ही नहीं है कि कंपनी और ज्यादा आगे काम करे, लग रहा है कि मैनेजमेंट तो अभी बंद करना चाहता है, तो वो भी हम TCWG से बता सकते हैं। तो ये थी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। अब हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर सी, सर्कमस्टांसेस विच मे इफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट, ये भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो कि हमारे फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को इफेक्ट करे। जैसे ऑडिट रिपोर्ट में मैंने ऑडिट रिपोर्ट एक बार दिखाई भी थी, उसमें जैसे मान लो ओपिनियन है, ओपिनियन के नीचे कुछ रेगुलेशंस आती है, कुछ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर भेजा हुआ है, अभी तक साइन होके नहीं आया, तो मैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेटर का वो जो वो है मतलब पॉइंट्स है वो नहीं लगा सकता अपनी अपनी रिपोर्ट में, तो प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्ट को साइन करने में भी, ठीक है। डी पॉइंट है इसका सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का, अनलेस टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग डिस्कस बाय द ऑडिटर विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेज कर रही है एंटिटी को, वही मैनेजमेंट है, वही टीसीडब्ल्यूजी है, तो हम सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं टीसीडब्ल्यूजी मतलब मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी के साथ ही, मतलब सेम पर्सन है। और एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं ये, जैसे कि एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स होते हैं उस टाइप का होता है ये। जैसे मैं कंपनी का केस बताता हूँ, हमने क्या किया था, एक छोटी सी कंपनी थी उसकी 4.5 करोड़ टर्नओवर थी, तो उसमें जो रिप्रेजेंट वो था मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम ही थे, मैनेजमेंट के ऊपर सीधा बॉस ही आता था, तो बॉस उसके नीचे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा था। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि कल को भाई हम जिम्मेदार नहीं है कि तुमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की हो, तो वो सीधा सीधा लिखा होता है। ई पॉइंट ये है उस क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम डिस्कस कर रहे थे, एनी अदर मैटर विच मे बी सिग्निफिकेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसे मैटर जो कि भाई ऑडिटर की जजमेंट में लग रहा है उसको कि पूछने चाहिए। ई पॉइंट सॉरी ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का था। अब है 4th पॉइंट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का था, मतलब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के बाद वाला, कि मतलब क्या क्या मतलब मतलब वो क्या क्या बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए, उसका 4th पॉइंट। ऑडिटर इंडिपेंडेंसी भी उसको बतानी चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को, जिससे कि टीसीडब्ल्यूजी को लगे कि हाँ भाई इसने ऑडिटर ने इंडिपेंडेंसी में अपना काम किया। और ये होता भी है, हमारी जो रिपोर्ट बनती है उसमें भी हम लिखते हैं कि हमने इंडिपेंडेंटली काम किया है, ये जाता है ये पॉइंट, और हम टीसीडब्ल्यूजी को भी बताते हैं एक बार, हम ओरली बता सकते हैं, रिटर्न में बता सकते हैं बिसाइड द ऑडिट रिपोर्ट कि हाँ हमने जो काम किया है वो इंडिपेंडेंटली काम किया है। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एसे का। ये कह रहा है डिस्कस द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द एंटिटी एज पर SA 260। एक बार इसको पढ़ लें, वैसे इसमें बस इतना ही लिखा है, ये पेपर के लिए थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर में कभी इतना कुछ खास पूछा नहीं गया। इसमें बस यही लिखा है कि भाई प्रोसेस यही है, पहला तो बात तो इन्होंने ये लिखी रखी है कि भाई जो प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है फॉर्म टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन को। दूसरे में फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, समराइज्ड भी हो सकती है, डिटेल भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चरल भी हो सकती है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अगर मिली हैं तो वो राइटिंग में हो तो ज्यादा बेटर है, ओरल ना हो तो ज्यादा एडिक्वेट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहते हैं ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर टू वे कम्युनिकेशन कंडक्टेड विद टीसीडब्ल्यूजी हैज बीन एडिक्वेट। ऑडिटर को खुद पता लगाना पड़ेगा कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो उसको एवेल्युएट करना चाहिए कि वो जो बात नहीं बता रहा उसकी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है, मतलब वो मटेरियल तो नहीं है वो बात, टू वे कम्युनिकेशन से अगर नहीं बता रहा तो। द ऑडिटर शैल कंडक्ट कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन टाइमली बेसिस, टाइम टू टाइम बताते टीसीडब्ल्यूजी से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीसीडब्ल्यूजी से शुरू में बात कर ली या फिर एक साथ लास्ट में बात करूंगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बार बार बात कर सकता है और करनी भी चाहिए। द ऑडिटर शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन कंडक्टेड विद टीसीडब्ल्यूजी ऑफ एंटिटी। जो भी टीसीडब्ल्यूजी से बात कर रहा है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखे। जैसे कई बार होता है हमने उससे टीसीडब्ल्यूजी से पूछा, यार ये जो तुम्हारा क्लाइंट है इसकी मुझे वो मंगवा दो कि इसको जीएसटी के अंदर ये अनरजिस्टर्ड है या जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी मंगवा दो, तो उसने कहा ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी हम मंगवा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो गई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी आती है। वैसे मैं यहाँ बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन का ये मतलब है कि कल को ऑरली करो उसको भी तुम बाय मेल ऐसे कर दिया, बाय मेल तो हमने टीसीडब्ल्यूजी से बात कर ली और ओरली भी बात कर ली फोन पे, तो मेल से क्या होता है, मेल से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। If any matter is communicated by the auditor orally, then auditor shall maintain documentation with respect to such matter as when or whom matter was communicated. तो ये भी documentation से related ही बात की गई है। ये question यही खत्म होता है, इसके बाद चलते हैं question number 3 में जो कि इस SA का last question है और ये 5 number का paper में आ चुका है। Write the short note on the factors affecting the mode of communication with TCWG. कह रहे हैं अगर हमने टीसीडब्ल्यूजी से जब भी बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं।
क्या हो सकते हैं, वेदर द मैटर हैज बीन सेटिस्फेक्टरी रिजॉल्व। कई बार होता है कि हमने मैटर बता दिया लेकिन पता नहीं रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा मतलब फैक्टर बन सकता है। मतलब एक जो हमने कम्युनिकेशन करी TCWG को, ठीक है, अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई बात लेकिन हमें लग रहा है कि पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो मैटर सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व हुआ कि नहीं। वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड टू द मैटर टू TCWG। कभी कभार क्या होता है, हम मैनेजमेंट को बता देते हैं और बोल देते हैं TCWG को भी बता दियो, क्या वो उसने TCWG को बताया कि नहीं, ये भी होता है। कई बार छोटी सी बात होती है, हमने मैनेजमेंट को बता दी, TCWG को बताना इतना जरूरी नहीं था लेकिन मैनेजमेंट का TCWG को बताना जरूरी था। उसने वो बताया कि नहीं बताया, ये सेकंड पॉइंट में आता है। लीगल रिक्वायरमेंट आती है इसके अंदर, कभी कभार लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाती है। फोर्थ है वेदर देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, द साइज एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG इंक्लूडिंग अरेंजमेंट मेड फॉर द पीरियोडिक मीटिंग और कम्युनिकेशन विद द ऑडिटर। तीन बार एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर, जो एक्सपेक्टेशन TCWG ने सोच रखी कि इस पीरियोडिक मीटिंग में मिलेंगे, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। उसने सोच रखा होगी कि करेंगे एक एक महीने बात करेंगे, अगर इंटरनल ऑडिट है, या फिर ऑडिट में भी उसने सोच रखा है तीन तीन दिन बात करेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, आ सकती है कि उसने सोच रखा है तीन दिन बाद ये वाली बात करेंगे, अब ठीक है, अब तीन दिन बाद मीटिंग है, बीच में कुछ बात अराइज हुई वो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसकी वजह से फिर ऑडिट में भी डिले होगी, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन में। वेदर डिस्कशन ऑफ मैटर विल बी इंक्लूड इन ऑडिटर रिपोर्ट एज की ऑडिट मैटर्स। कई बार क्या होता है, ऑडिट में जो की ऑडिट मैटर्स हमें बताने होते हैं उसमें भी जो हमने बात डिस्कस करी थी वो आ जाती है। हमने बात कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई बात करी, हमने बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उन्होंने की ऑडिट मैटर है और उन्होंने उस बात को नहीं सुना, फिर मतलब ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।